हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मकोए के बारे में। ये जो मकोए है ये नमी वाले स्थानों पे हर जगह आपको मिल जाएंगे। देखिए देखिए, और इसमें वाइट कलर के ऐसे फूल और इसके फल ग्रीन कलर के और पक जाने पे ब्लैक, रेड, येलो और पर्पल कलर के होते हैं। और ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसके तो साग भी अब मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप सप्ताह में 4 दिन मंथ में खा लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ खा लीजिए, ऐसे भी आप ठीक हैं फिर भी, तो बहुत फ़ायदा करता है। और इससे पेट के अपच, खांसी वगैरह में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। इसका 30 ml रस आप ले लीजिए, इसकी पत्तियाँ अच्छे से धुल के और इसको मिक्सी में पीस लीजिए या सिल पे कैसे भी पीस के इसका रस निकाल करके 30 ml लीजिए, बहुत ही फ़ायदा करता है। और इसके बीज को आप पीस के सुखा दीजिए, स्वेलिंग में लगाइए, बहुत फ़ायदा करता है। इसकी जड़, पेड़, तने सब का काढ़ा इसकी खांसी में फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, इसका तो यूज़ हमने, मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी से स्वेलिंग हो रही थी बॉडी में, तो इसे मेरे सर्वेंट ने बना के इसका साग दिया था। जैसे थोड़ा सा करीब 10-12 पत्तियाँ उसको अच्छे से वॉश करके और उसको छोटे से बर्तन में ऐसे ही स्टीम में इसको पकाना है और हल्का सा नमक डाल लीजिए और फिर खा जाइए। अगर आप ऐसे खाते हैं, ऐसे नहीं 3-4 बाइट रोटी के साथ खा लें। और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमको मिला। मेरा वेट ऐसे दिखने में, जैसे अंदर से वीकनेस लगती थी बस बॉडी फूली फूली सी लगती थी, तो हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कंट्रोल हुआ। तो ये तो मेरा यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। और मकोए हर जगह उपलब्ध है। और अगर हम इसको मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या सुबह ऐसे ही उठते हैं, हल्का फुल्का टहलते हैं, इसकी 2 पत्ती अपने मुंह में डाल करके कूच करके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो वैसे भी हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बस यही दोस्तों।